अमरोहा में झोला छाप डॉक्टर मतलूब के बिना अनुमति के चलाए जा रहे सैफी नर्सिंग होम में गर्भवती महिला के ऑपरेशन के बाद उसके पेट में तौलिया छोड़ दिया। बता दें कि मामला नौगावा सदात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बासखेड़ी का है, जहां के रहने वाले शमशेर अली ने अपनी पत्नी नजराना को प्रसव पीड़ा होने पर नौगावा सदात कस्बे के ही एक झोला छाप डॉक्टर मतलूब के द्वारा बिना अनुमति के संचालित सैफी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां ऑपरेशन के दौरान चिकित्सक स्टाफ की लापरवाही के चलते महिला के पेट में तौलिया रह गया। नजराना ने पेट दर्द की शिकायत डॉक्टर मतलूब से की तो चिकित्सक ने सर्दी का बहाना बताकर 5 दिन बाद डिस्चार्ज किया था। घर पर आने के बाद भी नजराना की तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो परिजनों ने उसे अमरोहा शहर के अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर यह बात पता लगी कि उसके पेट में तौलिया छूट गया है, जिसके बाद उसका अमरोहा में ही ऑपरेशन किया गया। वहीं ऑपरेशन के दौरान पेट से तौलिया निकलने पर परिजन सकते में आ गए। वहीं शमशेर अली ने कहा कि वह इस मामले में CMO से निजी चिकित्सक के खिलाफ कार्यवाही को कहेंगे। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए CMO डॉक्टर राजीव सिंघल ने इस मामले की जांच नोडल अधिकारी डॉक्टर शरद को सौंपा है। समाचार पत्रों से मेरे को मालूम हुआ कि कोई ऐसी खबर आई है कि किसी प्राइवेट अस्पताल में किसी महिला के ऑपरेशन के दौरान तौलिया छूट गई है। उसके मामले की जांच के लिए मैंने डॉक्टर शरद कुमार जो मेरे नोडल हैं उनको आदेश कर दिए कि पूरी जांच करके तथ्यों से मुझे अवगत कराएं। तथ्य सामने आने पर फिर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कौन सा अस्पताल है और किस तरह की? ये अभी मैंने डॉक्टर शरद को ही बता दिया क्योंकि पेपर से ही न्यूज मिला है, तो अभी उस बारे में वो जाँच कर रहे हैं। हालांकि अभी तक शमशेर अली की ओर से लिखित में कोई शिकायत नहीं मिली है, मगर फिर भी जाँच कराई जाएगी।